ठीक है रोहन गुप्ता, रोहन गुप्ता इससे पहले कि आप जवाब दें, इससे पहले कि आप जवाब दें, फराज किद भाई बहुत वक्त से इंतजार कर रहे हैं, उनसे मैं उनके पास जाना चाहती हूँ। फराज किद भाई, जो हरदीप पुरी हैं, उन्होंने कहा कि बड़ा मुद्दा है आज विभाजनकारी मानसिकता का। हर्षवर्धन त्रिपाठी ने भी यही बोला कि विभाजनकारी मानसिकता, बंटवारे की राजनीति, और हरदीप पुरी ने तो ये भी कहा कि एक जिन्ना जैसी सोच हमारे देश में आ गई है जहां बांटो और राज करो की राजनीति चल रही है। पद्मजा जी, सबसे पहले तो मैं चरण सिंह साकरा साहब को बहुत बहुत बधाई दूंगा कि भारतीय जनता पार्टी राहुल गांधी जी को इस देश का सबसे बड़ा नेता बनाने जा रही है। क्योंकि आज की तारीख में अगर आप देखिएगा कि टेलीविजन डिबेट्स में, समाचार पत्रों में और जनता में सबसे ज्यादा अगर किसी की बात हो रही है तो या तो आदरणीय राहुल गांधी जी की हो रही है और या आदरणीय अखिलेश यादव जी की हो रही है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि सबसे ज्यादा शिकायत आपकी पार्टी को यही रहती है कि मीडिया आपको दिखाता ही नहीं। अब आप ये तो मान रहे हैं कि सबसे ज्यादा चर्चा आप ही की हो रही है मीडिया। हाँ, तो ये बढ़िया। जी जी जी, मैं मान रहा हूँ। और दूसरी बात ये, तो यानी मीडिया स्वतंत्र हो गई अब इस देश में, उनकी तारीफ करो तो स्वतंत्र हो गई। मुझे पूरा तो करने दीजिए, आपको बधाई। बोलिए फराज साहब। जी जी, दूसरी 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 बात यह है कि अभी कुछ सिख भाइयों की बात हो रही थी, टाइम्स ऑफ इंडिया में एक आर्टिकल छपा था, मैं तो पेपर का नाम भी बता दे रहा हूँ, timesofindia.com में 15 जून 2024 को, उस आर्टिकल के हिसाब से अमृतसर में बीजेपी एमएलए जो हैं 1984 के दौर में 10,000 लोगों के साथ अमृतसर में गोल्डन टेम्पल के आसपास या गुरुद्वारों के आसपास एक जुलूस निकालते हैं और उसका टाइटल होता है बीड़ी सिगरेट पियेंगे और शान से जियेंगे। और वहां पर जो बीड़ी सिगरेट नहीं मिलती थी उसकी दुकानों को वहां पर जबरदस्ती खुलवाया जा रहा था। तो ये भारतीय जनता पार्टी और उनकी ऑर्गेनाइजेशंस का ये चेहरा है। दूसरी बात, 14 फरवरी 1984 को भारतीय जनता पार्टी के एमएलए और इनके अमृतसर के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट जो थे पंजाब में, हरबंस लाल खुराना, सापरा साहब को पता होगा कि गोल्डन टेंपल का मुझे तो बोलते में भी नहीं अच्छा लग रहा है कि एक प्रोटोटाइप बना करके लाए और उसकी कितनी बेहुमरती की ये पूरे देश को पता है, पूरी दुनिया को पता है। ठीक है पद्मजा जी, दूसरी बात हम आ जाते हैं। अभी बात हो रही थी, बस मुझे 50 सेकेंड और दे दीजिएगा। अभी कुछ बात हो रही थी जिन्ना साहब की। 21 अगस्त 1936 को कलकत्ता यूनिवर्सिटी के आशुतोष हॉल में श्यामा प्रसाद मुखर्जी एज अ वाइस चांसलर मोहम्मद अली जिन्ना को इनवाइट करते हैं कि वहां के स्टूडेंट्स को एड्रेस करने के लिए, और जिन्ना की शान में जितने कसीदे वहां पर पढ़े जाते हैं, मुझे तो नहीं लगता, मैंने तो पढ़ाई में अब तक ये नहीं देखा कि उतने कसीदे कहीं पढ़े गए हों। रोहन गुप्ता जी अभी बात में बोल गए कि साहब ये लोग देश विरोधी हैं। अरे साहब, सरकार का विरोध देश विरोध करना थोड़ी ना होता है। उस्मान मिनाई का एक बहुत अच्छा शेर सुन लीजिए कि माली का मुखालिफ हूं, मैं शहदाए चमन हूं, सरकार का दुश्मन हूं मगर वफादार वतन हूं, माली कभी रुतबे में चमन हो नहीं सकता, सरकार का मतलब तो वतन हो नहीं सकता। अरे भाई साहब, भारतीय जनता पार्टी वतन नहीं है, वतन हमारा हिंदुस्तान है जिसको हम दिल में लगा करके चलते हैं। और दूसरी बात, अभी बात एक स्पीचर पद्मजा जी इसकी कर रहे थे, पद्मजा जी मैं तो कहता हूं कि कुछ भी करना, कुछ भी अगर आप बोले तो उसका फैक्ट एंड फिगर्स आपके पास होने चाहिए। 26 फरवरी 2024 को द हिंदू में एक खबर छपी थी जिसके हिसाब से जो टोटल हेट स्पीच के इवेंट्स हैं उसके 75% भारतीय जनता पार्टी के शासित राज्यों में हुए हैं, और ये रिपोर्ट कहती है कि इसमें से 36% जो हेट स्पीचेस के इवेंट्स हैं वो डायरेक्ट कॉल ऑन द वायलेंस ऑफ मुस्लिम्स हैं। तो हर कोई 25% मामलों में डायरेक्ट, हर कोई इसमें इतना ही गुनाहगार है राजेश जोशी, क्या आप मानते हैं, या कोई भी एक पार्टी कह सकती है कि दूसरा नफरती है? पद्मजा जी मुझे कहना पड़ेगा कि देर आयत दुरुस्त आयत, कम से कम पूरी बहस हो गई उसके आखिर में आपने मुझे मौका दिया, आपने वेट किया, बहुत बहुत सॉरी उसके लिए। मुझे एक बात कहनी है सिर्फ कि ये कांग्रेस जो इस वक्त है, ये 4 जून 2024 की कांग्रेस से फर्क है, क्योंकि इस वक्त जो कांग्रेस ने FIR करवाए हैं, जिस तरह से सड़कों पर उतर के विरोध किया है, ये हेल्पलेस और डायरेक्शनलेस कांग्रेस इस वक्त नहीं दिख रही है। दूसरी बात यह है कि राहुल गांधी ने जो कुछ कहा वो मैं पहले भी कह चुका हूं, उसको डिफेंड करना वो कांग्रेस का काम है और उसको अपोज करना भारतीय जनता पार्टी का काम है। उन्होंने क्या कहा फैक्चुअली ये बताना पत्रकारों का काम है। उन्होंने कहा, ये सवाल ये है कि क्या सिख पगड़ी पहन पाएंगे या कड़ा पहन पाएंगे, उनको ये छूट होगी हिंदुस्तान में या नहीं होगी, लड़ाई इसकी है, और ये सिर्फ सिखों के लिए नहीं बल्कि दूसरे धर्मों के लिए भी है। अब इसके बरक्स आप तथ्यों को देख लीजिए, जब सड़क पर एक नमाज पढ़ते मुसलमान को पुलिस वाला लात मारता है, जब हरिद्वार में धर्म संसद के दौर में ये कहा जाता है हर हिंदू को 47 लेना चाहिए,
और उससे मुसलमानों का कत्ल करना चाहिए, जिस पर सुप्रीम कोर्ट कहता है कि हेट स्पीच बिल्कुल टॉलरेट नहीं की जाएगी, उसके बावजूद जब ये सरकार जो है ऐसी घृणास्पद बातें कहने वालों के खिलाफ कोई एफआईआर नहीं करती है या डिसोन भी नहीं करती है उनको, ये नहीं कहती है, तो इससे क्या होता है कि कांग्रेस वाले किसी आदमी को मौका मिल जाता है, बीजेपी के किसी आदमी को मौका मिल जाता है, दूसरी पार्टी के किसी आदमी को मौका मिल जाता है। तो ये घृणा हमारे चुनावों में और राजनीति में बिल्कुल आप ये समझ लीजिए कि दिमाग को जकड़ लेती है। इसके खिलाफ आवाज उठाई जानी चाहिए, भारतीय जनता पार्टी के भीतर से आनी चाहिए आवाज।